आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है चार चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं, और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो, एक बार बोल रहे बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना।
ये भारत का भविष्य है पेंशनर बनना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद।